आज हम बनाएंगे इंस्टेंट अचार की रेसिपी जो सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार होती है। इसे आपको धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट बनाइए और इसे सर्व कीजिए। यह अचार आपके खाने के स्वाद को तो दुगुना करेगी ही। आप इसे पराठे, पूरी या फिर छोले भटूरे के साथ सर्व कीजिए। ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। बनाना बहुत आसान है, तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप कटी हुई गाजर, 1 कप कटी हुई मूली और 1 कप ही कटी हुई हरी मिर्च चाहिए। गाजर मूली को मैंने इस तरह से 1/2 इंच के टुकड़ों में लंबे शेप में काट लिया है और हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़ों में इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले मसाला पाउडर बनाएंगे, जिसके लिए पैन गर्म किया मैंने, गैस का फ्लेम लो रखा है। ऐड करेंगे इसमें सौंफ, इसके साथ ही यहाँ पर जाएगा ज़ीरा और यहाँ पर मैंने ऐड किया है सरसों दाना। और इन तीनों की क्वांटिटी आपको इक्वल रखनी है। अब डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच राई दाना। आप चाहें तो सरसों दाना और राई दाना में से कोई एक का इस्तेमाल करें। अब डालेंगे इसमें अजवाइन 1/2 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना और लो फ्लेम पे ही हमें इन सबको तब तक भूनना है जब तक कि ये स्प्लटर ना करने लगे। तो ये प्रोसेस करने में आपको हार्डली 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगता है। इसे लगातार चलाते रहिए और मेक श्योर कीजिएगा गैस का फ्लेम पूरी तरह से लो हो। तो ये देखिए, ये स्प्लटर करने लगे हैं और कलर भी चेंज हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इनके भुनते ही बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो फटाफट इसे प्लेट में बाहर निकालेंगे, पैन में मत छोड़िएगा नहीं तो ये ज़्यादा भुन जाएंगे। अब इसे हल्का सा ठंडा करने के बाद हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे और इस पाउडर को आप बिल्कुल 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और जब भी आपको अचार टाइप से कुछ चीज़ बनानी हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1/4 कप सरसों का तेल गरम किया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। जैसे ही तेल में से धुआं आने लगे, अच्छी तरह से ये गरम हो जाए, तब इसमें ऐड कीजिए 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन और इसके साथ ही यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच हींग ऐड कर देंगे। तीनों को अच्छी तरह से भून लीजिए। तेल बहुत अच्छी तरह से गरम है तो बहुत जल्दी ये मसाले भुन जाते हैं। भुनने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों को, क्योंकि सबसे पहले हमें उन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पे मिर्चों को ऐड कर दिया मैंने और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम के बीच कर दीजिए। मिर्चें ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया था, जिसे पील लिया है और थोड़े मोटे टुकड़ों में काटा है इस तरह से। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं अचार में। इसे भी हम मिर्चियों के साथ ही भून लेंगे। जैसे कि आपको लगे कि मिर्ची का कलर चेंज होने लगा है, लगभग 1/2 मिनट के बाद ही ऐसा होने लगता है, तब आप इसमें गाजर और मूली दोनों एक साथ ऐड कर दीजिए और इसे भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हमें अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इनके ऊपर भी अच्छा सा क्रस्ट आ जाए। यह अचार बहुत टेस्टी लगता है और इतनी जल्दी तैयार होता है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। अब बारी आती है सूखे मसालों की। तो सबसे पहले ऐड करेंगे धनिया पाउडर, साथ ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे ऐड किया मैंने लाल मिर्च पाउडर। अब डाल देंगे इसमें हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखिएगा। अब डालेंगे यहाँ पे नमक। तो नमक मैंने 1/2 छोटी चम्मच ऐड किया है यहाँ पे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें मसाला पाउडर ऐड करेंगे जो हमने अचार के लिए बनाया था, और यहाँ पे मैं लगभग 4 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। मसाले की कोटिंग जब अचार में अच्छे से होती है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कम मसाला पसंद करते हो तो कम से कम 2 टेबलस्पून ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इस मसाले को भी अच्छी तरह से भूनते हुए मिक्स कर लीजिए, ताकि कोटिंग आ जाए और अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ जाए सब्जियों के साथ। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दिया है मैंने और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसे बीच बीच में चलाते हुए हम भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है अचार का और स्पेशली खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब खटास के लिए ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू का रस, तो नींबू का रस भी इसमें अच्छा जाएगा। इसकी सेल्फ लाइफ 15 दिनों की होती है, तो नींबू का रस डालने के बाद भी ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा दिनों तक चलाना चाहते हैं तो फ्रिज में रखिए, तो ये 1-2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने आमचूर डालने के बाद। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद हम ग्लास जार में या फिर इस तरह के मर्तबान में इसे स्टोर कर लेंगे। यह अचार जितनी जल्दी बनती है उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको अच्छी लगेगी और बनाना बहुत ही आसान है।
तो बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।